दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है और कहा कि हमारे एमएलए पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, झूठी एफआईआर है, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पास सबूत नहीं, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है, हमारे नेताओं के खिलाफ फर्जी जांच चल रही है, भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे अमानतुल्ला खान पर अभी उनके ठिकानों पर छापा पड़ा, इससे पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे नेताओं के खिलाफ फर्जी जांचें चल रही हैं, जबरदस्ती परेशान किया जा। जैसी हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जाँच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्ला खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला क्योंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्ला खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली, एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो।